हर रोज़ शाम के टाइम पर जब चाय बनती है ना, तब कुछ साथ में खाने के लिए तो हम सबको चाहिए होता है। तो क्यों ना थोड़ी सी पूरियाँ बना ले उसके लिए, तीखी वाली, जो हम चाय में डुबो डुबो कर खा सके। बहुत ही टेस्टी लगती है ना। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है, उसके अंदर हमने नमक ऐड किया है, स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। अब तीखी पूरियाँ बना रहे हैं इसलिए मसाले तो इसके अंदर जाएंगे। तो मसाले में सबसे पहले हल्दी पाउडर डाल दी, और तीखा होने के लिए इसके अंदर मिर्ची पाउडर डाल देना है, और एकदम मसालेदार बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया और जीरा का पाउडर होता है ना वो, और थोड़ी सी चुटकी पर इसके अंदर हींग ऐड करेंगे। हींग से ना अरोमा अच्छी आती है। फिर इसके अंदर ना ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन को ना थोड़ा सा हाथों के बीच में इस तरह से मसल के ऐड करने से क्या होता है, उसकी जो स्मेल है ना वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाती है। और सेम उसी तरह से हमने जीरा भी डाल दिया है, उसे भी हाथों से मसल के डालेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और 2 चम्मच जैसा हमने यहाँ पे तिल ऐड कर दिया है, तिल होते हैं इसके अंदर, वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मोइन के लिए ऑयल ऐड कर देना है। अब इसका आटा कैसा गूंथेंगे, जैसा हम रेगुलरली पूरियाँ बनाने के लिए गूंथते हैं ना वैसा, उसको हार्ड रखना है, तभी तो हमारी पूरियाँ थोड़ी सी अच्छे से बेल पाएंगे ना हम लोग, वरना सॉफ्ट रहेगी तो कैसे बेलेंगे फिर। और फिर इसके अंदर ऐड करनी है फ्रेश मलाई। तो अभी अभी हमने दूध उबाला था, उसकी मलाई बनी थी ना, तो वो डाल दी है। तो अरे हाँ, गरम दूध की नहीं है, ठंडे दूध की डालनी है। तो गरम दूध की तो कैसे, अभी की अभी मलाई बनी हो और वो तो नहीं डाल सकते ना। तो ठंडा किया हुआ दूध हो ना, जो रिसेंट वाला, उसके ऊपर जो मलाई जम गई हो वो डाल देना। और अब इसका आटा अच्छे से गूंथ लेना है, पानी से गूंथना है। अब इसका आटा थोड़ा टाइट लगाना है, इसलिए आप नाप अनुसार ही पानी ऐड कीजिएगा, वरना ज़्यादा हो जाएगा ना तो बहुत ही ढीला ढीला सा आटा हो जाएगा। और ये देखिए है ना, एकदम हार्ड वाला आटा हमारा। तो इस तरह से आटा गूंथ दिया है। अब इसकी छोटी छोटी सी हम पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से इसका एक रोल बना देना है, और फिर रोल में से हम छोटे छोटे से इसके लुई कट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि पूरियाँ एक नाप की बने सारी की सारी। तो ऐसा करने से ना बहुत ही आसान काम हो जाता है। और अगर आपको ऐसा ना आए ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका एक रोल बना के आप जो नाइफ होती है ना, चाकू होता है ना, उससे भी कट कर सकते हैं इसके छोटे छोटे से पेड़े। तो इस तरह से हमने सारे के सारे लोए बना के रेडी कर दिए हैं। और अब इसको है ना थोड़ा सा ऐसा थप्पड़ के बीच में पेड़ा बना देना, तो आसानी रहेगी। और इसे बेल लेंगे, तो बेलने में भी ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है हमने, इसलिए छोटी छोटी बनाई है। तो छोटी छोटी क्या है कि एक बाइट में एक खा सकते हैं पूरी, तो आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा। और ज़्यादा पतली मत कीजिएगा, थोड़ी सी इसको मोटी रहने दीजिएगा, तभी ये फूलेगी, ठीक है। वरना फिर ज़्यादा पतली कर देते हैं ना तो फूलती नहीं है, और अंदर ऑयल में फिर गर्म करने के लिए डालते हैं ना तो फट जाती है ये, तो हमें फटी हुई फिर उसके अंदर ऑयल चला जाता है, तो बहुत ही ऑयली बन जाएगी। तेल को भी हमने यहाँ पे गरम होने के लिए रख दिया है, जब तक ऑयल गरम होता है तब तक थोड़ी सी राह देखिएगा, और एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि ऑयल गरम हुआ है कि नहीं, वरना फिर ये पूरियाँ तेल पी जाती है। तो अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है, उसके अंदर हम पूरियाँ डाल देंगे। तो आप एक बैच में सारी डाल सकते हैं, मतलब बहुत सारी डाल सकते हैं, सारी तो कैसे डाल देंगे, ये तो नहीं चिपकेगी एक दूसरे के साथ, इसलिए आप 7, 8, 10 जितनी डालनी है उतनी डाल सकते हैं। और अच्छे से इसको मिलाते रहना है, एक साइड से अच्छे से फूलने लगे ना तब उसे दूसरी साइड से पलट दीजिएगा, तो दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। और ये ना थोड़ी सी लाल इसलिए है क्योंकि हमने इसके अंदर मिर्ची ज़्यादा ऐड करी है, आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको तीखी ना पसंद हो तो सेब को कलर वाली कश्मीरी मिर्ची आती है ना वो भी ऐड कर दीजिएगा, तो कलर में भी बहुत सुंदर लगेगी। तो पूड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी है एकदम स्वादिष्ट वाली, और चाय भी बन चुकी है, तो अब हम सब कुछ सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूड़ियाँ जो है ना, आप देख सकते हैं कितनी मस्त फूली फूली सी बनी है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग नाश्ते के साथ क्या क्या खाते हैं वो भी हमें बिल्कुल बताइएगा, जिससे कि हम वो भी बना सकें, रेसिपी भी बना सकें उसकी, और वीडियो भी बना सकें। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको चाय के साथ सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को सबके साथ। बाय बाय।